नमस्कार, ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागी विधायक पिछले 7 दिनों से पंचकुला में जेल में बैठे हैं, पंचकुला से आगे नहीं आ पा रहे। बागी नेता राजेंद्र राणा ने हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने सुधीर शर्मा को AICC के सचिव पद से हटा दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय आलाकमान जलील करता है और हिमाचल में तानाशाह का राज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 16 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पर जुटे डॉक्टर अब 7 मार्च को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। प्रदेश भर के 2900 डॉक्टर कल सामूहिक अवकाश पर रहने वाले हैं। हिमाचल में सेब सीजन से पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा अब सेब वजन के हिसाब से यूनिवर्सल कार्टन में बेचा जाएगा। इसको लेकर जल्द ही SOP जारी कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच आज मनाली में मौसम साफ हुआ है। ऐसे में बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक कुल्लू, मनाली और सोलंग नाला का रुख कर रहे हैं। वहीं भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल बंद है, जिसे मशीनरी खोलने में जुटी है। अब डायबिटीज की जांच के लिए ब्लड सैंपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सांस के जरिए ही किसी भी व्यक्ति में डायबिटीज डिटेक्ट की जा सकेगी। IIT मंडी के रिसर्चर्स ने ऐसी ही एक न्यू डिवाइस तैयार की है, जो बिना ब्लड के मात्र सांस के जरिए बॉडी में डायबिटीज की आसानी से पहचान कर सकती है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच 5वें व सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 7 मार्च से शुरू होगा, जो कि 11 मार्च तक चलेगा। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। वहीं अगर टीम इंडिया इस मैच में जीतती है तो टेस्ट इतिहास में 112 साल बाद ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। हरियाणा के नूह जिले में बोर्ड की परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल कराने का मामला सामने आया है। नूह जिले के ताबड़ू शहर के चंद्रावती स्कूल में परीक्षा केंद्र पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के सारे दावे फेल नजर आए। इसी ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग इन करें ETVBharat.com।